जब वबाएं आती हैं उसका बहुत बड़ा सबब समाज में गुनाहों का आम होना है और खास तौर से बेहयाई और जिनाकारी का आम होना है। बहुत बड़ा सबब जिनाकारी का, बेहयाई का आम होना, चाहे वो आंख के एतबार से हो, चाहे वो वाकई जिना हो, चाहे वो उरियानियत के रास्ते हो जिससे जिना आम होता है। तो जब समाज के अंदर फहश आम होता है, फहाशी जब आम होती है तो फिर बीमारियां आती हैं। जब जिना समाज में आम हो जाता है तो फिर अल्लाह की तरफ से वबाएं आती हैं, बीमारियां आती हैं। आइए इसकी दलील क्या है देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अकबल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए। फकाल या माशरल मुहाजिरीन, आपने कहा ए मुहाजिरीन की जमात, खमसुन इदबतुली तुम बिहिन्न व अऊदु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन, पांच चीजें हैं जब तुम उनमें मुबतला किए जाओगे और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि तुम वो वक्त देखो। आपने अल्लाह की पनाह मांगी, तुम्हें वो वक्त देखना नसीब ना हो। उम्मत, समाज, माशरा, पांच चीजों में जब मुबतला किया जाएगा तो उसकी सजाएं अल्लाह की तरफ से दुनिया में ही आएंगी। तो पांच चीजें क्या हैं और दुनिया में उनकी पांच सजाएं क्या हैं? नंबर एक, पांच चीजें आप देखें। नंबर एक, लम तज़हरिल फाहिशतु फी क़ौमिन क़त हत्ता युअलिनु बिहा, जब भी किसी कौम में बेहयाई जिना आम होता है, यहां तक कि अलानिया और जिनाकारी करने लगे, खुल्लम खुल्ला जिनाकारी करने लगे, जब किसी कौम का यह हाल होता है कि जिनाकारी आम हो जाती है, इल्ला फशा फीहिम ताऊन, तो उनमें ताऊन भी आम हो जाता है, बार बार ताऊन आता है। जब कौम में जिनाकारी आती है तो ताऊन की बीमारी, प्लेग जिसको हम कहते हैं बगल में, और बाज़ उलमा ने कहा कि पेट के नीचे जो है फोड़ा आता है और फिर उसमें आदमी की मौत भी हो जाती है। तारीख में कई बार हुआ है। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि पिछले कौम में को अजाब दिया जाता था, आगे वो हदीसें भी आएंगी इंशाल्लाह। तो उस कौम में ताऊन की बीमारी आम हो जाती है, फशा या बिल्कुल आम हो जाना, किसी एक आदमी को नहीं हुआ, पूरी कौम के बारे में बात हो रही, तो इसी को तो वबा कहते हैं। आम तौर से बीमारी समाज में फैल गई। तो कहा कि जब किसी कौम में बेहयाई और जिनाकारी आम होती है तो उस कौम में ताऊन की बीमारी आती है, लेकिन सिर्फ ताऊन नहीं, बल्कि आपने फरमाया इल्ला फशाफीहिम ताऊन वल औजाउ लती लम तकुन मदत फी असलाफीहिम लदीन मदौ, सिर्फ ताऊन ही नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम में ऐसी ऐसी बीमारियां डालता है कि उस कौम ने, उसके बाप दादा ने भी उस बीमारियों को नहीं सुना होगा, उनके बाप दादा ने भी उस बीमारी को देखा नहीं होगा, एकदम नई बीमारियां। आप गौर करें इस हदीस के ऊपर, बहुत पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये खबर दी है, जब किसी कौम में जिनाकारी, समाज में जिनाकारी आम होती है तो ताऊन, और ताऊन के साथ साथ ऐसी ऐसी बीमारियां उस समाज में आम होती हैं कि बाप दादा ने भी उनकी वो बीमारियां ना सुनी होंगी ना देखी होंगी, बिल्कुल नई बीमारियां, नए नए अमराज आम हो जाते हैं, एक दो के लिए नहीं पूरे समाज में। नंबर दो, वलम यनकुस अल-मिकयाल वल-मीज़ान इल्ला उख़िदु बिस-सिनीन वशिद्दत अल-मऊनति वजौरि सुल्तान अलैह, कहा कि जब भी किसी कौम में नाप तौल में डंडी मारना, खयानत करना, ठीक से नापना तोलना नहीं, जब किसी कौम में ऐसे ये मर्ज आ जाता है, ये बुराई आम हो जाती है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सिनीन में यानी सूखे में, कहत में अल्लाह रब्बुल आलमीन मुब्तला कर देता है, अनाज नहीं उगता है, बारिश नहीं होती है, तो ये बीमारी उनकी, ये मुसीबत उन पर आती है। वह शिद्दतिल मऊनति या शिद्दतिल मऊनति यानी हाजत और तंग हाली, तंग दस्ती उन पर आ जाती है। वह जौरी सुल्तान अलैहिम और बादशाह का जुल्म उन पर आता है, जब नाप तोल में यानी हकदारों को उनका हक नहीं देते हैं और खयानत करते हैं, दूसरों के माल का कुछ हिस्सा खा जाते हैं, तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको कहसाली में मुबतला कर देता है और उनको भूख प्यास और तंगी में मुबतला कर देता है,
मोहताजी में डाल देता है और इसी तरह से बादशाह उन पर जुल्म करते हैं। नंबर तीन, वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनउ अल-क़तरा मिन अस-समाई वलौला अल-बहाइम लम यमतरू। और जब लोग ज़कात को रोक लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर आसमान से बारिश को रोक देता है। आप कहेंगे पहले तो कहत चला गया, कहत भी तो वही है और फिर बारिश को रोक देना फिर वही सजा? नहीं, दोनों अलग हैं। कभी कहत इस तरह से भी आता है कि आसमान से बारिश बरसती रहती है और फसलें तबाह हो जाती हैं और लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता है। तो कभी अल्लाह ऐसे भी परेशान करता है, मुसीबत में डालता है, सजा देता है, और कभी ऐसा होता है कि बारिश ही नहीं तो पीने के लिए भी नहीं है। तो ऐसे हालात अल्लाह डालता है। इल्ला मुनउल क़त्र मिन अस-समाई वलौलल बहाइम लम यमतरु। और अगर जानवर ना होते, चौपाए ना होते, तो अल्लाह सिरे से बारिश ही नहीं बरसाता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए बारिश बरसाता है क्योंकि जानवर हैं, उनकी सूरत है, उनके क्या गुनाह है। तो कभी अल्लाह उनके लिए बरसाता है, वरना अल्लाह बरसाए नहीं बारिश इनके ऊपर। ये ज़कात के रोकने वालों की सजा है। वलम यनकुदु अहद अल्लाह व अहद रसूलिह इल्ला सल्लत अल्लाह अलैहिम अदुवन मिन गैरिहिम व अखदु बअद मा फी अयदीह। चौथा गुनाह क्या है कि जब अल्लाह उसके रसूल का अहद तोड़ते हैं, यानी कौमों से जो अहद उन्होंने किया है, जो जंग के बारे में वादा किया कि हम नहीं लड़ेंगे, अमान देंगे तुमको और तुम्हारे और हमारे दरमियान पीस ट्रीटी है, अमन की सुलह है किसी कौम के साथ, किसी मुल्क के साथ, जब इस अहद को तोड़ते हैं, जब उनके साथ गद्र करते हैं, धोखा देते हैं उनको, तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए क्या होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला इल्ला सल्लफल्लाहु अलैहिम अदुवा मिन गैरिहिम, अल्लाह ताला उन पर दूसरे दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है, उन पर अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को मुसल्लत करता है। वअखदु बअद मा फी अयदीहिम, फिर उनके हाथ में की चीजें भी वो दुश्मन छीन लेते हैं, उनके अपनी चीजें दुश्मन, इतनी ताकत उनमें पैदा हो जाती है, ये इतने आजिज हो जाते हैं कि इनके हाथ में से भी कुछ छीन लें तो कुछ नहीं कर सकते, इनका हक छीन लें तब भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो ये लोगों के साथ किए हुए अहद को तोड़ने की वजह से होता है। नंबर पांच, وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फराइज, जो अहकाम नाजिल किए हैं, उनके मुताबिक जब उनके अइम्मा, उनके उलमा और उनके हुक्काम जब उसके मुताबिक फैसला न करें और अल्लाह के नाजिल हुए को इख्तियार न करें बल्कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले करें, तो इल्ला जअल अल्लाह बअसहुम बैनहुम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनमें आपस में जंग को जारी कर देता है, आपस में इनमें फूट डाल देता है, आपस में इनको लड़ा देता है, आपस में इनको एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। कितनी बड़ी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है और इमाम इब्ने माजा और इमाम हाकिम ने इसको रिवायत किया और ये हदीस सही है, शेख अल अल्बानी ने जामे सगीर में इसको सही कहा है। तो ये बात हदीस में आई है, तो इससे मालूम होता है कि जिनाकारी से बीमारियां आम होती हैं, ताउन और ताउन के अलावा ऐसी बीमारियां जिससे पहले सुनने में नहीं आई। एक और हदीस जिसको इमाम तबरानी ने अल-कबीर में रिवायत किया है, उसमें भी बात है, आपने फरमाया वला ज़हरत फीहिमुल फहिशतु इल्ला फशा फीहिमुल मौत। जिस कौम में बेहयाई, जिनाकारी आम हो जाती है उसमें मौत भी आम हो जाती है, अल्लाह ताला उसमें मौतें बढ़ा देता है, बीमारी आती है और उसके नतीजे में लोग मरते हैं। तो इस हदीस को इमाम अत-तबरानी ने रिवायत किया और ये हदीस हसन है, शेख अल-अल्बानी ने इसको सहल जामे सगीर में जिक्र किया है। तो तीसरी बात ये मालूम हुई कि गुनाह और ख़ास तौर से जिनाकारी, बेहयाई की वजह से बीमारियाँ आती हैं, वबाएँ आती हैं, उनमें खास तौर से ताउन का जिक्र किया और ऐसी बीमारियां जो पहले नहीं आई, नई नई बीमारियां आती हैं।